उपसभाध्यक्ष महोदय, जब संसद में अपनी मातृभाषा में बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है तो यह जो बिल उपस्थित किया गया है तो मैं इसके उद्देश्य को बहुत देर तक सोचने लगा कि उन्होंने इस तरह का बिल क्यों उपस्थित किया। बिल को पेश करने वाले को मैंने यहाँ पर देखा है कि उनको अपनी मातृभाषा से कितना प्रेम है। मैंने तो उनको ऐसा देखा जैसे कि श्री भूपेश गुप्त इंग्लैंड में पैदा हुए और वही उनकी मातृभाषा है और उसी में वे बोलते रहते हैं। जो स्वयं अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं करता उसे यहाँ मातृभाषा की तरफदारी करने का अधिकार क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आता। यदि उन्होंने इसके माध्यम से केवल क्षेत्रीय भाषाओं को और उसके बोलने वालों के प्रति प्रेम प्रकट किया है तो इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके लिए संसदीय संविधान में पहले ही अधिकार प्राप्त हैं। यह बात सही है कि यहाँ सभी अंग्रेजी और हिंदी के विद्वान ही आते हों, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसे सदस्य भी आते हैं जो अंग्रेजी और हिंदी नहीं जानते और अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। उन्हें मातृभाषा में बोलने का अधिकार होना चाहिए और वह है, इसलिए इस विधेयक की आवश्यकता क्या पड़ गई, यह मैं बहुत देर तक सोचता रहा। संसद में कार्य करने के लिए संस्कृत के सिवाय जो बोली जाने वाली भाषा नहीं है, संविधान की 8वीं सूची में निर्दिष्ट सभी भाषाओं के प्रयोग के लिए उपबंध किया गया है। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के दर्जे में समानता की सुनिश्चितता कराना तथा संसद के कार्य को लोकप्रिय तथा लोकतांत्रिक दिशा प्रदान कराना आवश्यक है, ऐसा उन्होंने विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों में बताया है। यदि उनका यह उद्देश्य है कि अंग्रेजी तथा हिंदी के समान और भाषाओं में भी कार्य हो तो यह बता देना चाहता हूँ कि अभी तो हिंदी को भी अंग्रेजी के साथ नहीं ला सके और उसका हमारे बजट पर कितना खर्चा पड़ा। अगर यह 14 भाषाएं समान रूप से प्रयोग में आने लगें सभी दफ्तरों में और कार्य हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त इनमें भी होने लगे तो हमारे बजट पर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। यदि केवल बोलने की सुविधा की बात है तो वह पहले से ही है। यदि इसका उद्देश्य यह है कि हिंदी और अंग्रेजी के समान सभी भाषाओं में कार्य हो तो यह बहुत खतरनाक बिल है और इसका असर हमारे बजट पर बहुत पड़ेगा। हमारा देश गरीब है और खर्च बढ़ने के माने यह है कि सरकार टैक्स लगाएगी और इससे हमारी गरीब जनता पर बोझ पड़ेगा। भूपेश जी गरीबों के हमदर्द बनते हैं, उनका कहना तो यह है कि गरीबों की मदद हो, लेकिन यह सब टैक्स गरीबों पर ही पड़ेगा। यह टैक्स बढ़ाने का एक और षड्यंत्र भूपेश जी ने अनजाने में पेश कर दिया है, यह मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि विधेयक तो साधन होते हैं, किसी साधन के लिए साध्य नहीं होता है, साध्य तो देश है। उपाध्यक्ष जी, यह विधेयक एक मासूम सा विधेयक है, इसलिए इसका स्वागत करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के दिन खेती में ऐसी दवाइयों की बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है और कोई दवाई गलत ना दी जा सके, कोई उसमें गलत व्यापार ना करे, उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक वक्त था जब खेती भगवान के भरोसे इंसान करता था और मुआवजे का एक तरीका था, किसान उसके ऊपर निर्भर रहता था। आज तो विज्ञान ने उसको एक तरह से इंडस्ट्री बना दिया है और कहीं खेती में कहीं दूसरी चीज़ों में इतना पैसा लगाना पड़ता है कि अगर एक फसल भी उसकी फेल हो जाए तो किसान को 2-3-4 साल के लिए मुश्किल हो जाती है। महोदय, जब कीटाणुओं का हमला होता है तो दवाई छिड़कना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सारे साल की मेहनत कीटाणु तबाह कर देते हैं। अभी हरियाणा की सरकार ने पिछले महीने में 4 विमानों की मांग की कि हमें दवाई छिड़कने के लिए विमान चाहिए, सरकार को विमान नहीं मिल पाया। एक महीने के बाद सरकार को सूचना दी जाती है कि 2 विमान मिल जाएंगे, जबकि 4 का ऑर्डर दिया था। इतनी देर में आने से कीटाणुओं ने जो नाश करना था वह कर दिया होगा, फसल क्या बचेगी। यदि ठीक समय पर दवाई ना छिड़की जाए तो फिर वह डंठल पर दवाई छिड़कने की बात रह जाती है, वह फसल पर दवाई छिड़कने की बात नहीं रह जाती। इसी तरह से जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया, कई दफ़ा खराब दवाई छिड़की गई, अगर दवाई अच्छी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो यह भी ज़रूरी है कि दवाई ठीक हो। यह भी ज़रूरी है कि व्यापारी भी उसमें कोई गड़बड़ ना करें और ठीक समय पर छिड़काव करें। जहाँ तक हाथ से छिड़काव है या छोटी मशीन लगाकर छिड़काव करना है तो वहाँ तो किसान अपने दम पर कर सकता है। अपने खेत में कोई बीमारी का मुकाबला करना है
कोई कीटाणुओं का मुकाबला करना है तो कर सकता है, लेकिन जब बीमारी सारे आसपास पड़ोस में हो तो वह तो सरकार का काम है। सरकार भी इसी तरह कर सकती है, जैसे विमानों के जरिए दवाई छिड़का दी, लेकिन यह ठीक समय पर अगर हो जाए तो अच्छी बात है। उपसभा अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने व्यापारियों, बेचने वालों और बनाने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की बात आवश्यक बतलाई। वहाँ उसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब प्रदेश सरकार विमानों की मांग करे तो इसकी व्यवस्था केंद्रीय सरकार को जल्दी कर देनी चाहिए। जहाँ इस चीज़ पर इतना ज़्यादा खर्चा होता है, वहाँ पर आपको देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इतना खर्चा करना कोई ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि कम ही मालूम होगा। अगर आप वक्त पर विमान नहीं देंगे तो फसल को नुकसान हो जाएगा, जो इस खर्च से ज़्यादा होगा।